नमस्कार, मैं प्रवीण पांडे और आप देख रहे हैं आशीष न्यूज। अभी हम सिल्ली मेन रोड स्थित आदि दुर्गा मंदिर समीप पहुंचे हुए हैं। इसमें ये जो मंदिर है 100 साल का ही पुराना है और पंडाल की विशेषता क्या बताएं, यहाँ सबसे ज़्यादा विशेष है पूजा। पूजा जो है ना, पूजा एकदम वैदिक रीति से होता है, माने नियम से होता है, पंजी के नियम से होता है। और यहाँ जितने भी आदमी आते हैं सब भक्ति भाव से आते हैं, पूजा करते हैं। और पंडाल तो कोई खास है, हम लोग का है नहीं, हम लोग ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं पूजा पर। विद्युत चरण जो पंडाल में किया गया है, विद्युत का निर्माण जो किया गया है, तो किस प्रकार से किया गया, कहाँ के कारीगर के द्वारा किया गया, थोड़ा दो लाइन हमें बताएंगे। कारीगर तो तुले ये सिल्ली के ही हैं, स्टार साउंड के द्वारा किया गया है, जो सिल्ली के ही हैं। और कुछ साधारण हम लोग यहाँ विशेष तरीके से पूजा में ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ के सिल्ली के प्रसिद्ध मंदिर है, आदि मंदिर है। यहाँ की खूबियाँ यही है कि पूरा सिल्ली जानती है कि यहाँ पूजा विधिवत रूप से होता है। बस नमस्कार, मैं दिनेश बनर्जी और आप देख रहे हैं आशीष न्यूज। और हम अभी पहुँचे हुए हैं मुरी के जन जागरण समिति में, और यहाँ का जो दुर्गा पूजा पंडाल जो सजा हुआ है वो भव्य तरीके से सजा हुआ है। आइए हम यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनसे ही जानते हैं। अच्छा, ये जो पूजा मतलब ये हो रहा है पंडाल, मतलब आप लोग किए हैं, तो इसमें विद्युत सज्जा जो है वो कहाँ से आप लोग मतलब ये किया है? ये विद्युत है बसंत साउंड, उसी का विद्युत किया हुआ है। और हम मुरी का जन जागरण दुर्गा पूजा समिति का अध्यक्ष हुए, यही हम लोग 77 से पूजा कर रहे हैं, इसका स्थापना 77 को हुआ है। नमस्कार, मैं प्रवीण पांडे और आप देख रहे हैं आशीष न्यूज। अभी हम सिल्ली में पहुंचे हुए हैं सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति लुपुंग, जहां भव्य रूप से पंडाल बनाया गया है। यहां हम आइए लोगों से बातचीत करते हैं कि इस पंडाल में क्या क्या निर्माण हुआ है, क्या क्या विशेषता है इस पंडाल का। मैं सिल्ली सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति का संरक्षक विनोद चौधरी बोल रहा हूँ। यहाँ हम लोगों ने प्रसाद भी बाँटा पत्ता पे, दोना पे। हम लोग प्लास्टिक का कोई यहाँ यूटिलाइज नहीं किया हमने, और यहाँ सीसी कैमरा के द्वारा भी पंडाल का निगरानी भी था, भीड़ का भी निगरानी था। प्रशासन भी हमें बहुत मदद किया, हमारे सारे वॉलंटियर भाई लोग पूरा सहयोग किए, किसी तरह का कोई ओकेजन मैंने ये घटना नहीं घटी। बहुत सुंदर से यहाँ पूजा हुआ। तो सब हमारे कोषाध्यक्ष पहले सचिव बता रहे हैं। विद्युत सजा देवी साउंड सिल्ली, और जो पंडाल भव्य पंडाल जो बना है वो झालदा का कारीगर है, लेकिन सिल्ली स्थानीय क्षेत्र का ही वो निवासी है, विनोद कोयरी, सॉरी रोहित डेकोरेशन, वो बंगाल का कारीगर ही इतना बड़ा भव्य पंडाल को बनाने में पूरा योगदान दिया है। ये पूजा जो है कितने साल से आप यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं? 1980 इसका शुरुआत हुआ है, 39। प्रशासन के द्वारा जो विधि व्यवस्था पूजा को देखते हुए किया गया था, तो क्या प्रशासन सक्सेस रहा कि उसमें फेलियर रहा, किस प्रकार थोड़ा बताइएगा दोनों। सक्सेस है, प्रशासन पूरा योगदान रहा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ।